हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देख सकते हो हमारे पास ये टावर रिपेयरिंग के लिए आया है। और दोस्तों, कस्टमर ने इसका जितना भी वायरिंग था, कस्टमर था या किसी और, मान लो किसी टेक्नीशियन ने इसका पूरा वायरिंग मान लो निकाल दिया, तो उसका नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इसका काफी जगह से मान लो ये डैमेज कर रखा है। इसका जो मॉड्यूल है, अभी चेक किया था, ये वाला भी खराब है। और दोस्तों देखिए, वो सिंपल मॉड्यूल को इस प्लास्टिक के चेसी में लगा के और इसको मॉडिफाई बनाया गया है, लेकिन जो नॉर्मल लाते हैं वही हमारा कैबिनेट है। और इसको अंदर से भी दिखा देता हूं मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका जितना भी वायरिंग था, बोर्ड वगैरह सारा निकाल रखा है यहाँ से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका बोर्ड है दोस्तों, ये देखिए 20-30 आईसी का। और इसके बाद दोस्तों, इसके ये पीछे का है, तो बिल्कुल इसका सारा सामान ये मान लो डैमेज कर रखा है। तो आज इसको हम रिपेयर करेंगे। और इसका ये वाला ट्रांसफार्म है, अभी चेक किया था तो ट्रांसफार्म इसका ठीक है। तो दोस्तों, इसका पूरा वायरिंग करेंगे। अगर आपके घर में टावर है खराब है, तो आप वीडियो को देखकर पूरा वायरिंग इसका कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें इसके अंदर करना है, जो इसका बैकग्राउंड का ये पैनल होता है, इसके ऊपर जो भी हमारे कंपोनेंट है, जैसे हमारा बोर्ड, ट्रांसफार्म और ये माइक और आउटपुट जो सॉकेट होती है ये, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसके ऊपर इनको सेट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये आसान सा काम है इसको सेट करना, तो कोई भी इसको कर लेगा। तो एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्म था, बोर्ड था और जो भी ये सॉकेट थी, ये हमने इसके अंदर लगा ली है। अभी दोस्तों, जो ये हमारी इनपुट की वायर है, उसका कोई भी एक कलर आप स्विच में लगा देना, और दूसरा जो वायर है वो डायरेक्ट आप ट्रांसफार्म की रेड वायर से लगा देना। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी रेड या ब्लैक इसमें से एक लगा देना, एक स्विच में लग जाएगी, और दूसरी वायर जो है हमारी इसमें स्विच के दूसरे पिन में लग जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे ट्रांसफार्म के इनपुट है, तो यहाँ पे हमें ये देनी है, जैसे 12012 का है, तो बीच वाला हमारा जीरो हो गया, साइड वाला 12012 का हो गया, ये देख सकते हो डायोड के पास में है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन कर लेना है, तो मैं एक बार इसका कनेक्शन जो है कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हो जैसे ये हमारी इनपुट है, एक हमने इसके अंदर दे दी एक डायरेक्ट ट्रांसफार्म से, और उसके बाद में एक जो हमारी ट्रांसफार्म की वायर थी उसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12012 का हमने कनेक्शन कर दिया है इस टाइप से। तो कोई भी दोस्तों, सबसे पहले हम जब भी काम करते हैं, तो हमें ये वायर है जो एसी वाली, ये जोड़नी होती है, उसके बाद जो आउटपुट होता है वो जोड़नी होती है। और दोस्तों, सबसे पहले आप ट्रांसफार्म और जो हमारा मान लो ये सबवूफर है, स्पीकर है, हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो सारी चीजें आप एक बार 1x1 करके चेक कर लें, ताकि आपको आगे आके कोई दिक्कत ना रहे। तो दोस्तों, अब जैसे हमने यहाँ तक का कनेक्शन कर लिया है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो सबवूफर है उसकी ये वाली तार है, तो ये हम वायर यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम एक बार पावर देख के देंगे इसमें। और दोस्तों, जब भी आप पावर दो, तो इसमें सीरीज में देना जरूरी होता है, ताकि कोई फॉल्ट हो तो आपका ज़्यादा नुकसान वगैरह ना हो। तो दोस्तों, इसका जो पिन का आउटपुट रहता है, कि आप जब मालूम नहीं पड़ता कि इस आपको इसमें किस में कनेक्शन करना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आईसी लगी है, जिसका नंबर TDA 2030, और जो हमारा सबवूफर होता है उसके लिए 2050 होता है, लेकिन कुछ लोग जो बोर्ड बनाते हैं वो 2030 ही देते हैं, और सबसे अच्छा रहता है 2050। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें आपका जो
सबवूफर के लिए कौन सा आईसी है और जो सैटेलाइट स्पीकर होते हैं छोटे छोटे उनका आईसी कौन सा है। तो दोस्तों जो दो आईसी होती हैं इसको ब्रिज में देके सबवूफर का बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये दो पॉइंट है, ये हमारे सबवूफर के हैं। तो यहाँ पे जो सी ये वाली पिन है, जैसे मैंने उल्टा रखा है नीचे की तरफ, ये दो दूसरे नंबर की पिन है, ये हमारी आउटपुट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से हम देख सकते हैं एक इसका आउटपुट घूम के इधर आ गया है इसके पास, ठीक है। और जो ये आईसी है इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया है, और जो लास्ट वाली आईसी है उसका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारे सैटेलाइट स्पीकर के हो जाएंगे और ये हमारा सबवूफर का कनेक्शन हो जाएगा। तो एक बार मैं इसका वायर जोड़ लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमने हमारे जो सबवूफर था उसका कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों हमारे जो सैटेलाइट स्पीकर है उसका कनेक्शन बाद में करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ तक का हमारा जो सेक्शन है वो बिल्कुल चालू हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका बेस का जो टोन होता है उसके कनेक्शन करेंगे। तो देख सकते हो ये वाला जो हमारा तीन पॉइंट है यहाँ पे हमारा बेस का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बीच वाला नेगेटिव है और इनपुट और ये आउटपुट का रहेगा। तो जैसे ही मान लो उसमें तीन टोन में तीन होते हैं, बीच वाला बीच में और लेफ्ट राइट वाला आपस में, इस टाइप से इसके यहाँ कनेक्शन होंगे। तो वो कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे जितने भी कनेक्शन थे मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। तो दोस्तों इसके आगे तीन लाइट है, मैं आपको दिखा दूंगा, जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। मैंने उनके वायर यहाँ पे लगा दिए हैं, ये देखिए तीन अलग अलग टाइप की लाइट थी, तो मैंने तीनों का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। एक हमारा जो ग्राउंड होता है उसमें, और एक जो कैपेसिटर से 12 वोल्ट आती है उसके अंदर। ये हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये 7805 से, तो 5 वोल्ट की सप्लाई मैंने यहाँ से दे दी है। जो हमारा बेस कंट्रोल होगा दोस्तों उसकी मैंने यहाँ पे वायर दे दी है, देख सकते हो। ये हमारा जो सिग्नल आता है ऑडियो ब्लूटूथ मॉड्यूल से, उसके तीन पिन है, तो यहाँ पे उसका कनेक्शन हो गया है। और आपको जो ये माइक वगैरह है इसका मैंने डायरेक्ट जो मॉड्यूल में होता है उसमें कनेक्शन कर दिया है। तो दोस्तों इस टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हो। और ये दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आप कभी भी देखोगे ना तो आपको ये ट्रेवल का टोन का कनेक्शन बोर्ड में नहीं मिलता, वो बनाना पड़ता है। तो इस टाइप के दो PF ले सकते हो आप, ठीक है। ये PF है दोस्तों 104 नंबर का है, चाहिए आप ग्रीन वाले ले लो चाहिए ऑरेंज वाले। तो इनको बीच वाले पे लगा देना है, और बीच वाले पे लगाने के बाद दोस्तों जो इसका दो सिरे रहेंगे आउटपुट के, उन दोनों सिरों पे आपको वायर लगा देनी है। जो हमारा ये ऑडियो वॉल्यूम वाला होता है इसकी दोनों बीच वाली पिन पे कैपेसिटर के दोनों सिरे लगा देने, और बीच वाले दोनों यहाँ पे कर देने हैं, और साइड वाला हमारा ग्राउंड हो जाएगा और जो दूसरा है वो हमारा सर्किट पे चला जाएगा। तो इस टाइप से आप बोर्ड इसका ट्रेवल का इनका कनेक्शन कर सकते हो। तो अभी दोस्तों जो इसको मैं आगे से एक बार दिखा देता हूँ, तो इसको बंद कर लेते हैं फिर इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। और दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। Checking base.